भारत, लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का ये देश आज एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा गणराज्य भी है। पिछली जनगणना के मुताबिक भारत की इस जनसंख्या का लगभग 70% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में बसता था, पर आज आंकड़े ये बताते हैं कि समय के साथ इस ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 55% भाग बेहतर रोजगार के विकल्प ढूंढने के लिए शहरों की तरफ पलायन कर चुका है। साफ है कि ग्रामीण भारत तरक्की करती अर्थव्यवस्था की चकाचौंध से अछूता रह गया है। शहरों की तरफ भागती इस प्रवासी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग होता है अकुशल कामगार, जिनमें हर उम्र के आदमी, औरतें और एक बहुत बड़ी संख्या में किशोर शामिल होते हैं, जो अक्सर गांव में अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर बड़े शहरों में जीविका के साधन खोजते पहुंच जाते हैं। और बाकी ग्रामीण जनसंख्या किसी भी प्रकार के हुनर के अभाव के चलते गांव में ही जैसे तैसे जीवन काटने पर मजबूर हो जाती है। हालांकि अब ग्रामीण इलाकों से सटे औद्योगिक क्षेत्रों में भी कामगारों के लिए रोजगार के अवसर खुल चुके हैं, पर सही जानकारी और उचित कौशल के अभाव के चलते ये लोग इन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। भारतीय समाज में फैली इस असमानता को दूर करने के लिए गुजरात सरकार ने रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय की एक पहल कौशल्य वर्धन केंद्र को बढ़ावा देने का निश्चय किया। इस पहल के अंतर्गत कई कौशल्य वर्धन केंद्रों की स्थापना की गई। इनकी स्थापना का सपना पहली बार दिसंबर 2009 में कच्छ में एक चिंतन शिविर में देखा गया था। मार्च 2010 आते आते इन केंद्रों के लिए बजट निर्धारित कर दिया गया। अप्रैल 2010 से जून 2010 के बीच में कौशल्य सभाओं और बाकी साझेदारों के साथ औपचारिक बातचीत शुरू हो गई। जुलाई 2010 तक इन केंद्रों के लिए बुनियादी जरूरतों की पहचान कर ली गई और फिर 15 अगस्त 2010 तक 150 कौशल्य वर्धन केंद्रों का उद्घाटन कर दिया गया। इन केंद्रों की सफलता को देखते हुए साल 2013 तक ये संख्या 335 तक पहुंच गई। कौशल्य वर्धन केंद्रों की स्थापना के पीछे नियोजित व व्यापक कार्यनीति पूरी पारदर्शिता से काम कर रही थी। ये योजना बनाते वक्त एक खाका तैयार किया गया और विभिन्न साझेदारों से, जैसे कि ग्राम प्रधान, आईटीआई प्रधान और औद्योगिक संघों के प्रधानों से विचार विमर्श किया गया। उनके स्थान, बुनियादी जरूरतों व पाठ्यक्रम संबंधी सुझावों को सुना व समझा गया और उनको जिम्मेदारियां बांटी गई। इन साझेदारों ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और आज वो इस पहल को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। सरकारी तंत्र को भी इन केंद्रों की स्थापना के बारे में सही समय पर सूचित किया गया। कौशल्य वर्धन केंद्रों का महत्वपूर्ण जगहों पर विभिन्न तरीकों के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया। इन केंद्रों की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को उनके गांव के ही आसपास अल्पकालीन प्रशिक्षण के द्वारा व्यावसायिक समाज की मुख्य धारा से जोड़ा गया। इसके साथ इन केंद्रों ने गुजरात भर के करीब 150 औद्योगिक समूहों की लगातार बढ़ती कुशल कामगारों की मांग को भी पूरा किया। कौशल्य वर्धन केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे अकुशल कामगारों और युवाओं के लिए कामकाज की संभावनाएं तलाशना और महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों के जीवन में सुधार लाना। इन केंद्रों के द्वारा एक प्रोत्साहक वातावरण बनाया गया, जहां ये केंद्र ग्रामीणों के पास जाते हैं, न कि ग्रामीणों को प्रशिक्षण केंद्रों की तलाश में दर दर भटकना पड़ता है। इसके फलस्वरूप अब ग्रामीण इलाकों में भी स्वरोजगार का प्रचलन शुरू हुआ है और साथ ही स्थानीय और क्षेत्रीय उद्योगों को भी कुशल कामगार बहुतायत में मिलने लगे हैं। आज समूचे गुजरात में 335 ऐसे केंद्र हैं जो बड़े पैमाने पर लोगों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, औरतों व शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए ये प्रशिक्षण बिल्कुल मुफ्त और सामान्य वर्ग के लोगों को मात्र 50 रुपए प्रति माह में उपलब्ध कराया जा रहा है। इन केंद्रों की स्थापना व इनमें दिए जाने वाले प्रशिक्षण का चुनाव गांव में मौजूद कौशल्य सभाओं की सहभागिता द्वारा किया जाता है। ये केंद्र 7 से 10 गांव के समूह में स्थापित किए जाते हैं, जहां गैर जनजातीय गांव की जनसंख्या 10,000 और जनजातीय गांव की जनसंख्या 7,000 हो।
सूर्यवर्धन केंद्र से हमारे अगल बगल के गांव में बहुत फायदा होगा, इससे रोजगार के अवसर बहुत मिलेंगे। इन केंद्रों के लिए जो पाठ्यक्रम चुना गया है वो विश्व के मानदंडों पर आधारित है। यहाँ W का अर्थ है वुमन, यानी औरतों के अनुकूल पाठ्यक्रम। I का अर्थ है इंडस्ट्री, यानी औद्योगिक दृष्टि से अनुकूल पाठ्यक्रम। S का अर्थ है सर्विस सेक्टर, यानी सेवा विभाग के अनुकूल पाठ्यक्रम। और H अर्थात हार्डकोर, यानी परंपरागत पाठ्यक्रम जो सभी परिस्थितियों में काम आ सके। और आज इनमें से लगभग 450 ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो कि इन केंद्रों में पढ़ाए जा रहे हैं और लोगों के लिए रोजगार का सहारा बन रहे हैं। इन केंद्रों के सबसे लोकप्रिय पाठ्यक्रमों में से कुछ हैं ब्यूटी पार्लर, सिलाई कढ़ाई, मूलभूत कंप्यूटर शिक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग तथा बिजली व पानी का काम। इनके अलावा इन केंद्रों में 1980 ऐसे परंपरागत विषय भी हैं जो जीवन जीने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जन्म से मृत्यु तक काम आते हैं। मैंने संस्कारधाम कौशल्यवर्धन केंद्र से गाड़ी ड्राइव करना सीखा है। अभी मैं गाड़ी सीख के किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, मैं अपना घर का सारा काम खुद कर सकती हूँ। ये अल्पकालीन पाठ्यक्रम 60 से 480 घंटे की अवधि तक के हैं और किसी भी आयु का व्यक्ति जिसने 5वीं तक की मौलिक शिक्षा प्राप्त की हो इन केंद्रों में आकर इन पाठ्यक्रमों का लाभ उठा सकता है। इन केंद्रों की स्थापना में किसी भी प्रकार का बुनियादी खर्च नहीं हुआ है। लगभग सारे केंद्र सरकारी या स्थानीय संस्थाओं की संपत्तियों पर चलाए जा रहे हैं। कुछ केंद्र किराए की जगह पर भी चलाए जा रहे हैं। पहला बदला हमने इसको दिया है और इसका अच्छी तरह से वो केवीके का उपयोग कर रहे हैं। हमारे बच्चे और हमारे किरण मंडल के सब ट्रस्टी भी इस केंद्र से पूरे खुश है, क्योंकि जो उद्देश्य वो केंद्र बनाया गया है वो उद्देश्य सफल रहा है। लगभग सभी केंद्र DTH सुविधा से लैस हैं। गुजरात के तमाम केवीके सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे बच्चों सभी को हमारा हार्दिक स्वागत और नमस्कार है। ताकि समय समय पर लोगों को उपग्रह के माध्यम से विशेष पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जा सकें। अगस्त 2010 से दिसंबर 2013 तक इन कौशल्यवर्धन केंद्रों ने 10,02,254 प्रशिक्षणार्थियों को सक्षम बनाया है। इनमें 6,11,411 यानी लगभग 60% से ज्यादा औरतें हैं। इन केंद्रों ने इन प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार ढूंढने में भी मदद की। हमारे यहाँ केवीके के स्टूडेंट आते हैं, तैयार किए हुए अच्छे लोग आते हैं, उन बच्चों को हम लोग हमारे डिपार्टमेंट में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के बाद उनको पूरा अच्छी तरह तैयार करके हमारे हम लोग नौकरी भी देते हैं। कुल प्रशिक्षणार्थियों में से औसतन 40% आज विभिन्न उद्योगों में कार्यरत हैं और औसतन 60% स्वरोजगार अपना चुके हैं। केवीके में जाकर बहुत सीखी हूँ मैं वहाँ जा रही थी तब मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखा था, अब मैं घर पे चला रही हूँ और मेरे सब घर वालों की मदद कर रही हूँ। मैंने कौशल्यवर्धन केंद्र में मोबाइल रिपेयरिंग की तालीम ली है और अभी मेरा खुद का धंधा है। इधर आने के बाद मुझे इतनी अच्छी मैडम ने ट्रेनिंग दी और इतना अच्छा सिखाया कि आज मैं अपने कपड़े भी सीती हूँ, दूसरों के भी सीती हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, ऐसा मुझ में आत्मविश्वास बढ़ा है। और एक बड़ी मात्रा में कार्यरत कामगारों ने अनोखे मोबाइल कौशल्यवर्धन केंद्रों में आकर विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत अपने कौशल को और निखारा। इन केंद्रों की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस योजना को वर्ष 2011-2012 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पर सबसे बड़ी बात, कौशल्यवर्धन केंद्रों ने न सिर्फ लोगों को हुनर, रोजगार और आत्मविश्वास दिलवाया बल्कि ग्रामीण जनसंख्या को और खासकर महिलाओं को जागरूक और सशक्त बनाया तथा उनके लिए एक खुशहाल जीवन की कुंजी बना। कौशल्यवर्धन केंद्रों की अपार सफलता का राज है
गुजरात प्रदेश के ग्रामीणों का कौशल। चाह और उत्साह।